મારી દીકરી સાસરીએ લીલા લેર છે, લાલ મોટર આવી ગુલાબી ગજરા લાવી, મારી દીકરી સાસરીએ લીલા લેર છે. વાહ વાહ, શું વાત છે મામા. आपने थोड़ा पहले बोला होता तो कि जीजाजी हम सबको देख भी पाएंगे, तो मैं अपने लिए एक नई ड्रेस खरीद लेती ना. हाँ, अरे उसे आने तो दे, मैं तेरे लिए ड्रेस खरीदूंगा. सच्चे? पक्कू ने मामा? पक्कू पक्कू. विद्या भाई, इतने बड़े घर का दामाद ला रहे हो, शादी में हमें भी नई साड़ी चाहिए. अरे ये भी कोई कहने की बात है चंद्रिका? ओहो, दामाद के आने की खुशी में सबको नई साड़ी, फिर तो बहू आने की खुशी में सबको सुनार की दुकान पे ले जाना पड़ेगा. विद्या भाई, हाँ. इन सब की क्या जरूरत है माँ, तुम अकेले ही काफी हो. हाँ 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 मेरे लाल. दीदी अब क्या करोगी? जवाब दूंगी. मेरा दिल टूटा कोई बात नहीं, पर माँ बापू की बेइज्जती मैं चुपचाप नहीं सहूंगी. तुम कुमत को जानने की कोशिश शुरू करो. तुम्हारे रत्न नगरी जाने तक तुम दोनों के बीच कंफर्ट आ जाएगा. मैंने तुम दोनों की बात कराने के लिए वीडियो कॉल अरेंज किया है. वीडियो कॉल? वो लोग साइबर कैफे पहुंचते ही होंगे. 10 मिनट हैं तुम्हारे पास. सोच लो उससे क्या पूछना चाहते हो, उसे क्या बताना चाहते हो. ऑल द बेस्ट. आ, रोको रोको भाई. हाँ चल जा बेटा, खोल दे. चलो चलो. आओ 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 चंद्रिका, आओ. चल चल कुमारी. चल ले बापू. आप लोग जाइए, मैं आ रही हूँ. अरे डर मत, अभी दूल्हा से फोटो में आएगा. उठी बात ना बोलू विद्या भाई, किसी से तो शर्माई है छोकरी. अच्छा चलो 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 चलो. आओ. तुम जो कहना चाहती हो इन सबके सामने कैसे कहोगी दीदी? वैसे विद्या चतुर कह रहा था कुमुद को तुम बहुत पसंद हो. योग और अध्यात्म की बात करके अपना इंप्रेशन मत बिगाड़ लेना. उसे मेरा लेटर मिला भी या नहीं? नमस्ते कर सकते? नंदू का फोन है, नंदू का फोन. हेलो नंदू. हाँ लगता है तू पूरी बारात लेके आया साथ में. अरे यहाँ कोई काम अकेले शांति के साथ होता है क्या? अच्छा एक काम कर, कुमुद को बोल वीडियो कॉल पे आ जाए. अभी बुलाता हूँ. दिखरी चल. विद्या भाई हाँ? उसमें फोन भी लगा है क्या? लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है. अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? नहीं नहीं भाभी, बात यह है ना कि यहाँ हमारी कुमुद जो कंप्यूटर के सामने बोलेगी ना, वहाँ सरस्वती चंद्र उसको देख पाएगा, सुन पाएगा, जैसे आमने सामने बात हो रही हो. हमारी बा से बात कर सकती हूँ मैं वापी में? वहाँ कंप्यूटर लगा है क्या? नहीं पर टीवी है ना.
ए दिकरी, चल ले, चल चल चल। बापू देख वो नंदू क्या कह रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो आगे तो तुझे ही करना है, चल ले चल चल। बापू मैं आप सबके सामने बात नहीं कर पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं दीदी, हम सब बाहर चले जाएंगे, है ना? हाँ बाकी सब बाहर चले जाओ, मुझे जरूरी काम है जीजा जी से, वहाँ के किसी टीवी सीरियल में मुझे चांस दिला सकते हैं वो, तो मैं उन्हें अपनी फोटो भेज दूंगा ना। अरे यश भाई ये कॉल खास कुमुद दीदी और उनकी बात कराने के लिए किया गया, और आप उनसे ये सब बातें करेंगे? कोई नहीं, सिर्फ कुमुद बात करेगी और कोई नहीं, चलो। पर काका, चलो बता, चलो 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 चलो, अभी जा दिख रहा, अभी जा, 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 चल दिख रही, तू पण चल, चल चलो 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 चलो। क्या बोलूं, कैसे शुरुआत करूं? आंखों को देखने के बाद कुछ और देखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, एक अलग तरह की ईमानदारी, लेकिन कहीं दर्द भी था। जिससे मेरा ना कोई रिश्ता है और ना ही होने वाला है, उसे मुझे देखने का कोई हक नहीं है। क्या पूछने के लिए फोन किया कि मुझे चिट्ठी मिली या नहीं? मुझे चिट्ठी मिल चुकी है मिस्टर सरस्वती चंद्र। अगर ये ना सिर्फ तुमने मुझे की होती तो मैं तुम्हें एक बार माफ भी करती थी, लेकिन तुम्हारे बापू के फोन आने के बाद मेरे बापू की खुशी का ठिकाना नहीं है, मन ही मन विदा कर चुके हैं वो मुझे। अब मेरे बापू का कितना दिल टूटेगा, कितना अपमान होगा उनका, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रिश्तों से भागकर जिंदगी नहीं जी जा सकती सरस्वती चंद्र जी, रिश्ते जोड़कर उनको निभाया जाता है। तब पता चलता है कि कोई हमारा जीवन साथी बनने के लायक है या नहीं। पर तुमने तो पहले ही हार मान ली। हम दोनों की बात शुरू तो तुम्हारे ना से हुई थी, पर खत्म मेरे ना से होगी। सॉरी, मैं तुम जैसे डरपोक इंसान से शादी नहीं कर पाऊंगी। अगर मेरी बातों का बुरा लगे तो बस इतनी हिम्मत दिखाना, अपने बापू से कह देना कि तुम ये शादी नहीं कर सकते, और अगर वो भी ना हो सके तो यहां मेरे मां बापू के सामने मुझे ना कहकर जाना। लेकिन ना ही तुम में इतनी हिम्मत है और ना ही शर्म है कि यहां आकर मेरे सामने ना कर सको। बोलो, है हिम्मत?